नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। बिहार में आपराधिक मामलों में भूमि विवाद का मामला सबसे ज्यादा सामने आया है। ऐसे में भूमि विवाद को दूर करने के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार सरकार बहुत जल्द ही टैक्स टूल्स म्यूटेशन यानी कि दखिल खारिज करने के साथ ही स्पेशियल म्यूटेशन यानी कि स्थानीय दखिल खारिज शुरू करने वाली है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इसकी तैयारियों में जुटा है। 1 मार्च को इसके लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन भी किया गया है। इस बैठक को लेकर इन राज्यों के वरीय पदाधिकारियों उन राज्यों के वरीय पदाधिकारियों के तकनीकी कर्मियों को बुलाया गया है जहां स्पेशियल म्यूटेशन किया जा रहा है। गुजरात, ओडिशा और तेलंगाना में दोनों म्यूटेशन के साथ एक साथ काम किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर विभाग के अपर सचिव विवेक कुमार सिंह ने बताया कि सेवा को पारदर्शी एवं ऑनलाइन करने की दिशा में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने यह भी बताया कि इस काम के लिए अभी तक उपलब्ध नवीनतम तकनीक की मदद ली जा रही है। इसमें भूमि विवादों को कम करने में मदद मिलेगी। इस योजना के लागू होने से जमीन की खरीद बिक्री होने के साथ ही नाम परिवर्तन तो होगा ही, साथ ही साथ जमीन के दस्तावेजों में परिवर्तन हो जाएगी। म्यूटेशन की नई प्रक्रिया लागू होने से शुद्धि पत्र में नया प्लॉट का नक्शा चौहद्दी एवं नंबर के साथ रैयत को प्राप्त हो जाएगा। इससे जमीन की लेन देन में धोखाधड़ी का मामला बहुत ही कम होगा। इधर इस पूरे मामले को लेकर राजस्व मंत्री राम सूरत कुमार ने बताया कि इस व्यवस्था के लागू हो जाने से हरेक गाँव का नक्शा रियल टाइम हो जाएगा। कोई भी सूचना छिपी नहीं रहेगी। जमीन खरीद बिक्री में आम लोगों के ठगे जाने की आशंका भी समाप्त हो जाएगी। बिहार में नक्शे को लेकर सरकार की तरफ से जारी अपडेट में यह भी बताया गया है कि प्रदेश के भी जिले में स्थित जमीन व खेत का नक्शा प्राप्त करना अब बेहद आसान हो गया है। अपने जिले के सदर अंचल कार्यालय में ही नक्शे की छपाई हो रही है। कार्य दिवस यानी कि दिन के 10 बजे से शाम के 4 से 5 बजे के बीच में आप इन नक्शों को आप आसानी से निकलवा सकते हैं। प्रत्येक नक्शे के लिए निर्धारण में 150 रुपये की रसीद वहां के स्थित काउंटर से कटानी होगी। बिहार राज्य सर्वेक्षण विभाग ने उप निदेशक सैयदा खातून ने बताया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्य के 34 जिलों में यह व्यवस्था की गई है। सदर अंचल के अंचलाधिकारी की निगरानी में भू नक्शे की छपाई की जा रही है। अंचल स्थित काउंटर पर प्रदेश के किसी भी जगह पर भूखंड का नक्शा मिनटों में आप अपने हाथ में प्राप्त कर सकते हैं। भू नक्शे के अब पटना स्थित सर्वेक्षण कार्यालय जाने की भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। बिहार राज्य सर्वेक्षण विभाग की अपर निदेशक सैयदा खातून ने यह भी बताया कि रोहतास, भोजपुर, बक्सर व कैमूर को छोड़कर प्रदेश के सभी अंचल कार्यालयों में एक एक छपाई मशीन उपलब्ध कराई गई है। मशीन में तकनीकी समस्या आने पर संबंधित अंचलाधिकारी की सूचना पर सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा तत्परता से इसे ठीक कराया जाता है। सर्वेक्षण कार्यालय में टेक्नीशियन मोहम्मद अली ने यह भी बताया कि भू स्वामियों को उनके प्राप्त आवेदन के आधार पर डिजिटल भू नक्शा उपलब्ध कराया जाता है। एक बड़े पेपर पर छपा यह नक्शा हर जगह मान्य होता है। इससे अपनी जमीन यानी कि खेत की सही पैमाइश कराया जा सकता है। बिहार सरकार जमीन विवाद को लेकर काफी सजग दिख रही है। आपको हमने बताया कि बिहार में जमीन के मामले सबसे ज्यादा है। ऐसे में नीतीश सरकार लगातार यह चाह रही है कि बिहार में जमीन के मामलों को कम किया जा सके। हमने देखा था कि जल जीवन हरियाली के दौरान नदी, पोखर और तालाब खुदवाने की बात कही थी, जिसमें कि बिहार सरकार की जमीन को अपने कब्जे में लेने की बात कही गई थी। बिहार सरकार जमीन के मामलों को लेकर अब काफ़ी सजग दिख रही है। बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।